श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास्य कमलगंतम वाग्मय ममृतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य दिव्यद्भण्डारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमदरत्नागाररत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाश्रीगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानो स्मरामि अज्ञानितनरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुत मंद मतेर्दयां द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनाने च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि ही बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर देव जू की जय। आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल वी आर नाउ स्टार्टिंग श्री एकादश स्कंध। बहुत दिन का समय हो गया, एकादश स्कंध बीच में राजपंचाध्याय की यहाँ कथा होने लगी थी और राजपंचाध्याय पूरी हुई। अब एकादश स्कंध जो है जहाँ छोड़ा था वहाँ से वापस एकादश स्कंध श्रीमद् भागवत का। अब एकादश स्कंध के 19वें अध्याय से शुरू करेंगे। 19वां अध्याय तो उसे एकादश स्कंध 11th कैंटो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 11th कैंटो द 19th चैप्टर। श्री परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण श्री एकादश स्कंध मुक्ति स्कंध है। एकादश स्कंध इज ए मुक्ति स्कंध, हाउ ए पर्सन गेट लिबरेशन एंड फ्रीडम, दैट इज एकादश स्कंध। मुक्ति स्कंध है। मुक्ति स्कंध में पूर्व प्रसंग में श्री कृष्णचंद्र भगवान उद्धव को ज्ञानोपदेश देते हुए वर्णाश्रम धर्म का वर्णन कराए थे। वर्णाश्रम धर्म वाज डिस्क्राइब प्रीवियसली, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म से चित्त शुद्ध होता है फॉर मेकिंग प्योरिफाई द हार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो श्री जब जीव निष्काम कर्म करता है, माने यदि कर्म करेंगे तो बंधन मिलेगा, परंतु हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं, इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, कर्म को कर्मयोग बनाने के लिए हमको चार चीज अपनानी पड़ेंगी।
The karma will tie us, and to get relief from those ties, we have to offer, we have to accept four things with karma. पहली वस्तु है हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, माने कर्म करने में हमारे मन में कोई इच्छा न हो, नो डिजायर. दूसरी चीज है कि हम में कर्तृत्व बुद्धि न हो, ईगो का त्याग, अहम का त्याग. करने वाला मैं नहीं हूं, कराने वाले श्री प्रभु हैं, मैं एक माध्यम हूं. आई एम ओनली ए मशीन, आई एम ओनली ए इंस्ट्रूमेंट, एंड व्हाट एवर इज बीइंग डन दैट वाज मोटिवेटेड बाय श्री कृष्ण. श्री कृष्ण ही उसको हमको प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं. ये विचार करते हुए अकर्तृत्व बुद्धि, ये दूसरी चीज हुई, निष्काम कर्म, अकर्तृत्व बुद्धि. अब तीसरी चीज कि हम जो कर्म कर रहे हैं उनका लक्ष्य श्री कृष्ण ही होना चाहिए. प्रत्येक कर्म को कहीं ना कहीं कृष्ण के साथ में जोड़ें. वी शुड रिलेट आवर वर्क्स, आवर एक्टिविटीज विद श्री कृष्ण. ये एक तीसरी चीज. और चौथी चीज, हमने जो कर्म किए हैं उनको भगवान को ही समर्पित कर दिया जाए. सो जो सरेंडरिंग आवर एक्टिविटीज टू श्री कृष्ण, दैट इज द फोर्थ थिंग. तो ये चार चीज यदि हैं, अकर्तृत्व बुद्धि, निष्कामता, बुद्धि योग और कर्म समर्पण, ये चार चीज हैं, तो हमारा कर्म कर्म योग बन जाएगा. और श्री सुखदेव जी, श्री कृष्णचंद्र भगवान पहले ये निरूपण कराए थे. अब जब चित्त शुद्ध हो गया तो व्यक्ति उस समय ये विचार करेगा, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है. तो उसके मन में फिर ज्ञान जो है वो ज्ञान भी उदय हो सकता है. भक्ति भक्ति तो है ही, ज्ञान भी उसके हृदय में उदय हो सकता है. श्री भगवान कह रहे हैं, यो विद्या शुद्ध संपन्न आत्मवान नानु माये का माया मात्रम इदम ज्ञात्वा ज्ञानम चिन्मयी संन्यसेत. संसार का बंधन मुझे नहीं हो, इसके लिए व्यक्ति का कर्तव्य ये है कि यो विद्या शुद्ध संपन्न, जिसने विद्या प्राप्त की है, हु इज एजुकेटेड पर्सन एंड शुद्ध संपन्न, हु हैज लर्न द शास्त्र, शुद्ध संपन्न, आत्मवान, हु नोज थाइसेल्फ माइसेल्फ, आत्मवान जो अपने आप को जानने वाला है. और नानो मान कहा, और उसने आत्मा का आनंद स्वयं ने अनुभव भी किया है, केवल अनुमान से नहीं, इमेजिनेशन से नहीं कि आत्मा ऐसी है ऐसी है ऐसी है, ऐसा नहीं, आत्मा का कुछ अनुभव भी. आत्मा सच्चित आनंद है, वो नित्य है, वो ज्ञान रूप है, आनंद रूप है. जिस समय हम गहरी नींद में सो गए थे उस समय हमारे पास में हमारी बुद्धि नहीं थी, फिर भी हमको ये सुबह जागने में अनुभव हुआ कि मैं सुख में था. आई एम इन हैप्पीनेस, आई नो नथिंग. व्हाइल वी अवेक इन द मॉर्निंग, एट दैट टाइम वी फील इट दैट आई एम इन जॉय, आई एम इन हैप्पीनेस एंड आई नो नथिंग. सो while we do not have the intellect at that time, because our intellect was not working at that time, our mind was not working at that time, even then we are feeling that I am in happiness. So isse pata laga, this proves that our atma is sachit anand, hamari atma sachit anand hai. To na anuman kaha, हमने अनुमान नहीं किया बल्कि उसका अनुभव भी किया है. हम वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, नॉट ओनली ए इमेजिनेशन एंड प्रिजम्पशन, वी आर नॉट प्रिजम्प्टिंग इट, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट. सो आत्मवान नानुमान का माया मात्रम इदम ज्ञात्वा, उस व्यक्ति को इस सारे संसार को माया मात्र जानना चाहिए कि ये जो संसार है, ये संसार कहीं माया है. दैट मीन्स इट इज ट्रांसफॉर्मेबल,
ये एक सा नहीं रहेगा, ये सर्वदा सर्वदा कहीं ना कहीं परिवर्तित परिवर्तनशील है। जायते अस्ति वर्धते विपरणते, ये इसका बर्थ हुआ, अस्ति माने इसका एग्जिस्टेंस है, छह चीज है। जायते मीन्स बर्थ, अस्ति मीन्स एग्जिस्टेंस, जायते अस्ति, वर्धते मीन्स इट इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। विपरणते दैट मीन्स इट इज ट्रांसफॉर्मिंग। अपक्षीयते दैट मीन्स द डिटोरेशन इज बीइंग देयर, डिटोरेशन भी उसमें आ रहा है, क्षय भी उसमें आ रहा है। एंड विनश्यति इट इज फिनिशिंग। सो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे छह स्टेज में गुजरती हैं, छह रूपों में वे निकलती हैं। परंतु इसलिए ये जगत माया है, माया माने स्थिर नहीं रहेगी, ये सर्वदा सर्वदा परिवर्तनशील है, ट्रांसफॉर्मिंग है। ऐसा जानकर के उसके हृदय में ये विचार आया कि आत्मा तो नित्य है और शरीर ये विनाशशील है। द सोल इज इटर्नल एंड द डेजिग्नेशन दैट इज टू बी रिमूव्ड एंड दैट डेजिग्नेशन विल बी फिनिश, दैट विल बी रिमूव्ड। सो उपाधि समाप्त हो जाएगी, आत्मा सर्वदा रहेगी। ज्ञानम चिन्मय संन्यसे, उसे ज्ञान, तब ये जब ज्ञान हो जाए कि आत्मा ही मुख्य वस्तु है, तब उसे आत्मन चिन्मय संन्यसे, उस ज्ञान को भी भगवान को समर्पित करके ज्ञान से भी उसे मुक्त हो जाने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञानम चिन्मय संन्यसे, ज्ञान का संन्यास है, भक्ति का संन्यास नहीं है। द लिविंग ऑफ ज्ञान इज प्रेस्क्राइब, नॉट द लिविंग ऑफ भक्ति। भक्ति को कभी भी हम त्याग नहीं करेंगे, भक्ति सर्वदा रखेंगे। ज्ञान के विषय में एक बात कही गई कि ज्ञान सर्वदा सर्वदा वृत्ति में है, दैट मीन्स हमारे माइंड का एक विषय है ज्ञान, जबकि भक्ति माइंड का विषय नहीं है, भक्ति कार्य कोटि का नहीं है, भक्ति सर्वदा सर्वदा ईश्वर की चिन्मय शक्ति है। तो भक्ति इज ट्रांसेंडेंटल एंड द ज्ञान इज ए क्रिएशन। सो ये दोनों में अंतर है, ज्ञान एक कार्य है जबकि भक्ति ईश्वर की कृपा से हमारे हृदय में आने वाली वस्तु है, इनकार्नेटेड है, भक्ति का इनकार्नेशन है, जबकि ज्ञान क्रिएशन है। हम अपने विवेक के द्वारा ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, जबकि भक्ति वह भगवत कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है। क्योंकि भक्ति चिन्मय है इसलिए भक्ति का नाश नहीं है, ज्ञान मन की वृत्ति है, इट इज ए फेस ऑफ माइंड, द नॉलेज इज द फेस ऑफ माइंड, ए स्टेट स्टेज ऑफ माइंड। तो ज्ञान को हम कहीं भगवान को समर्पित करेंगे, परंतु भक्ति को हम समर्पित, तो ज्ञानम चिन्मय संन्यसेत, ज्ञान को भी भगवान के लिए प्रयोग करना चाहिए। संन्यसेत का तात्पर्य ज्ञान का त्याग नहीं है, ज्ञान का त्याग नहीं होगा, ज्ञान ज्ञान तो सर्वदा रखने वाली चीज है, परंतु ज्ञान को भगवान के लिए हमें कहीं यूज करना चाहिए। हमने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को भगवत सेवा के लिए हमको उसका उपयोग करना चाहिए। ज्ञान का त्याग करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान को भगवान को समर्पित करने की जरूरत है। तो ज्ञान चिन्मय संन्यसेत, ज्ञान का मेरे लिए प्रयोग करें, भक्ति तो हमारा अपना जीवन होगा। ज्ञानेन स्नेहम एवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योर्थो मद्रते प्रियः। ज्ञानेन स्वाहम एव इष्टः, एक ज्ञानी के लिए मैं ही सबसे ज्यादा इष्ट माने चाहा हुआ हूं। सो आई एम द मोस्ट डिजायर्ड थिंग फॉर ए ज्ञानी, ज्ञानी मुझे ही निरंतर निरंतर चाहता है। दूसरा श्लोक है सेकंड 19th चैप्टर सेकंड श्लोक, ज्ञानी न माने ज्ञानी के लिए अहम एव इष्टः, आई एम
मैं ही इष्ट हूं, दैट मीन्स आई एम द मोस्ट डिजायर्ड, ज्ञानी सबसे ज्यादा मुझे ही चाहता है। स्वार्थो हेतुश्च संबतः, ज्ञानी मुझे ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। स्वार्थ मैंने ज्ञानी का जो गोल है, जो मोटिव है, वो भी मैं हूं। सो आई एम द मोटिव ऑफ ए ज्ञानी, दैट मीन्स ए ज्ञानी वांट टू मर्ज इन टू मी, बट ए भक्त ऑल्सो वांट टू सर्व श्री कृष्ण, ही इवन नॉट लाइक टू मर्ज। ज्ञानी ब्रह्म में लीन हो जाना चाहेगा, भक्त लीन होना नहीं चाहेगा। सो स्वार्थ, ज्ञानी ही स्वार्थ माने गोल है, मैं ही ज्ञानी का गोल होकर के माने परम लक्ष्य होकर के विराजमान हूं। और हेतुश्च, ज्ञान का कारण भी मैं ही हूं, ज्ञान देने वाला भी कौन हूं, बोल मैं ही ज्ञान देने वाला हूं। श्री कृष्ण ही गुरु के रूप में विराजमान होकर के हमको ज्ञान दे रहे हैं। तो हेतुश्च, मैं ज्ञानी का, ज्ञान का हेतु माने कारण, आई एम द रिसोर्स ऑफ गेटिंग ज्ञान। इफ श्री भगवान इज नॉट काइंडफुल टू अस, वी कैन नॉट गेट ज्ञान। यदि हम भगवान हमारे ऊपर कृपालु नहीं है तो हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मैं ही ज्ञान का लक्ष्य हूं, मैं ही ज्ञान का कारण हूं, रिसोर्स इज आई एम एंड आई एम द गोल बोथ। स्वर्गश्च युवापवर्गश्च नान्योर्थो मद्रते प्रियः, एक ज्ञानी न तो स्वर्ग को चाहता है, न यदि भगवान नहीं है तो उसको केवल दुख से निवृत्ति होना, यह भी उसका लक्ष्य नहीं हो सकता है। दुख से निवृत्ति होना यह एक अधूरी प्राप्ति है, दैट इज इनकम्प्लीट गोल, इनकम्प्लीट अचीवमेंट। द फुल अचीवमेंट इज दैट वी शुड गेट रिलीफ फ्रॉम, वी शुड गेट रिड फ्रॉम द दुख, फ्रॉम द सोरोस एज वेल एज वी शुड गेट द आनंद। दुख भी निवृत्त होना चाहिए, आनंद भी हमको प्राप्त होना चाहिए, तो पूर्णता है। केवल दुख दूर हुआ और आनंद की प्राप्ति नहीं हुई तो वो पूर्णता नहीं है। भक्ति में दोनों चीज हैं, दुख भी दूर करेगा और आनंद की भी प्राप्ति होगी। इसलिए एक ज्ञानी न तो स्वर्ग चाहता है, माने एक भक्त न तो स्वर्ग चाहता है और न केवल दुख से निवृत्ति चाहता है। दुख की निवृत्ति होकर के सुख की प्राप्ति भी उसे हो, और सुख की प्राप्ति भगवान की भक्ति में ही है। सो स्वर्गश्चैव अपवर्गश्चैव नान्योर्थो मद्रते प्रियः, उस भक्त को मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु प्यारी नहीं है। ही डज नॉट लाइक एनीथिंग लिविंग मी विदाउट मी। नहीं, भक्त भक्त दुख की निवृत्ति भी चाहेगा, दुख भक्ति के द्वारा अपने आप हो जाएगा, परंतु दुख की निवृत्ति ही लोक लक्ष्य नहीं है। जैसे रोग की निवृत्ति ही लक्ष्य नहीं है, रोग की निवृत्ति होने पर सुख की प्राप्ति भी होगी, सुख की प्राप्ति यही जीवन का लक्ष्य है। तो जब मन प्रसन्न और अन्न रुचि तो ज्वर उतरो जान, एक पुरानी कहावत है कि बुखार को उतरा हुआ कब जाना चाहिए, जब मन प्रसन्न हो जाए, मन को प्रसन्न भी होना चाहिए और अन्न रुचि, उसको भोजन में रुचि भी हो जाए, तब समझना चाहिए कि आप पूरा बुखार उतरा है। केवल केवल बुखार का उतर जाना यही पूरी उसकी स्वास्थ्य लाभ नहीं है। तो मन प्रसन्न और अन्न रुचि, मन प्रसन्न भी होना चाहिए, अन्न की रुचि जब आने लगे, मन प्रसन्न हो जाए, तब समझना चाहिए कि अब बुखार उतर गया है। केवल शरीर का तापमान केवल दूर हो जाए वो उतना नहीं है, केवल बुखार जो फीवर जो है वो उतर जाए वो नहीं है। मुख्य रूप से व्यक्ति शुद्ध, ऐसे ही भक्ति के द्वारा बुखार भी दूर होगा और भजन करने में, अन्न में रुचि भी होगी, भजन करने में रुचि भी होगी, दोनों चीज होगी। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी यही उपदेश कर रहे हैं
कि वो नान्यर्थो मद्यते प्रियः, उस भक्त को मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु प्यारी होगी ही नहीं, वो मेरी बस मुझे ही सबसे ज्यादा प्यारा करे प्यार करेगा। ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठम विदुर मम, एक व्यक्ति भक्ति जहां पर आएगी वहां पर ज्ञान और वैराग्य दोनों आ जाएंगे। भक्ति इज ऑलवेज एकम्प्लीट विद ज्ञान एंड विज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य है कि मैं उसी परमात्मा का एक अंश हुआ, आई एम लीन आउट ऑफ दैट इटर्नल एंटिटी, ये तो हो गया ज्ञान, मैं उस परमात्मा का ही अंश हूं। और विज्ञान का तात्पर्य है कि उसकी मधुरमा का मैंने आस्वादन किया है, आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव विटनेस द स्वीटनेस ऑफ दैट इटर्नल एंटिटी। ये दोनों वस्तुएं, परतत्व का अनुभव भी किया है और आनंद भी प्राप्त हुआ है। ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठम विदुर मम, ऐसे व्यक्ति मेरे श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। प्रियो ज्ञानी प्रियतमो तो मे ज्ञाने नासो विभर्ते माम, ज्ञानी मेरा परम प्यारा है और ज्ञान के द्वारा वह मेरा सदा सदा ध्यान करता है। सो भगवत कह रहे हैं कि यदि कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, इफ ही इज लीडिंग हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ शास्त्र, ही इज माई प्री, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है वो है मेरा प्यारा। उनमें भी कर्म को जो मेरे लिए समर्पित करता है, मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, वो है मुझे अधिक प्यारा। ज्ञानी मुझे अत्यधिक प्यारा और भक्त मुझे अपने से भी ज्यादा प्यारा। तो ये जो नियम का पालन कर रहा है वो है प्यारा, जो नियम का पालन करके उस नियम के फल को द रिजल्ट द आउटपुट ऑफ दैट इज सरेंडर टू मी, द फल जो कर्म के फल को मुझे समर्पित कर देता है वो और भी ज्यादा प्यारा हुआ, ही इज डियरर। और डियरेस्ट कौन है, बोले ज्ञानी, कि मैं भगवान से भिन्न नहीं हूं, मैं भगवान का ही अंश हूं और जिसका अंश हूं उसकी मैं सर्वदा सेवा करते हुए रहूं, और जो सेवा करते हुए विराजमान है ऐसा व्यक्ति मुझे अपने से भी ज्यादा प्यारा है। तो डियर डियरेस्ट डियरर डियरेस्ट और मोर देन डियरेस्ट, ये भक्त हो गया, भक्त सबसे ज्यादा प्यारा हो गया। और उसके लिए नहीं, वर्णशंकर तो वो है, वर्णशंकर तो उसे कहेंगे जहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें कहीं मिक्सचर हो गया है, उसको वर्णशंकर कहेंगे। वर्णाश्रम वो है कि वर्ण का मतलब है कि सामाजिक व्यवस्था संपूर्ण बनी रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके द्वारा ज्ञान भी बने, इनके द्वारा रक्षा भी बने, इनके द्वारा आर्थिक उन्नति भी हो और इनके द्वारा निरंतर निरंतर हम श्रम करते हुए आगे बढ़ें। तो ये चारों वर्णों के धर्म होंगे। हाँ वही, तो जहां पर वो नहीं होगा वहां पर फिर उसे वर्णशंकर कह देंगे, वही वर्णशंकर। तो वो अंतर है। तो ज्ञान विज्ञान संसिद्धा, ज्ञान और विज्ञान इनसे जो युक्त है, मन जिसने थ्योरिटिकल नॉलेज भी प्राप्त की है साथ के साथ में अनुभव भी किया है, ऐसा जो व्यक्ति है वो ज्ञाने नासु व्यवहारते माम, वो क्योंकि ज्ञानी है इसलिए वो सर्वदा सर्वदा मुझे ध्यान करता रहता है। ही विल नॉट लीव मी बिकॉज ही इज ज्ञानी, ही नो दैट द मेन रिसोर्स ऑफ एवरीथिंग इज श्री कृष्ण, इसलिए वो उनको ज्ञान के द्वारा वो उनको धारण करते हुए विराजमान होगा। और वो ही विल नॉट कट द रूट, कट हिमसेल्फ फ्रॉम द रूट, ही इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द रूट, जो मूल है उसके साथ में जुड़ करके रहना चाहिए। किसी ने जड़ को काट दिया और पत्ती को कितना भी फ्रीज के अंदर रखे
परंतु वो सड़ जाएगी एक न एक दिन, समाप्त हो ही जाएगी। इसी प्रकार यदि ईश्वर को छोड़ दिया तो कोई ऊपर से कितना भी अपने आप को बना करके रखे, वह कहीं ना कहीं समाप्त हो ही जाएगा। अब यहां पर एक बात कह रहे हैं कि ज्ञान के साथ में एक भक्त सर्वदा सर्वदा भक्ति जुड़ी हुई है, उस भक्ति को कला भक्ति कहा गया। बिना भक्ति के कर्म, ज्ञान और कोई भी वस्तु, योग, कोई भी बिना भक्ति के काम नहीं करेगा। भक्ति तो आधार है, भक्ति के बिना कोई भी चीज टिक नहीं सकती है। न ज्ञान टिकेगा, न कर्म टिकेगा, न योग टिकेगा। कर्मकांडी भी सबसे पहले कर्म करने के लिए बैठेगा तो वो भगवान का स्मरण करेगा, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, आचमन करेगा, वो अपवित्र पवित्रो वा यस्मरित पुंडरीकाक्षम, सबसे पहले भगवान का आश्रय ग्रहण करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे कर्म सर्वदा सर्वदा अधूरे हैं। ही नोज दैट माई एक्टिविटीज, माई कर्म, दीज आर ऑलवेज लैंड, दे कैन नॉट मूव अनलेस वी हैव द स्ट्रेचर ऑफ भगवत भक्ति एंड हरिनाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल ही विल स्टार्ट हिज रिचुअल्स, ही ऑलवेज टेक द शेल्टर ऑफ श्री हरिनाम एंड ही विल आफ्टर परफॉर्मिंग हिज रिचुअल्स ही विल सरेंडर देयर ऑल वर्क्स टू श्री कृष्ण, टू हरिनाम। तो इन बिगनिंग ही विल टेक शेल्टर ऑफ हरिनाम एंड इन द एंड he will take the shelter of Harinam and he will surrender whole work, whole ritual in the lotus feet of Harinam. So in this way bhakti ki karma mein jarurat ho gayi. Isi tarah se gyani usko bhi karma ki avashyakta hai. Yahan par gyan bhakti ka anurupan kar rahe hain, gyan mein jo bhakti hai uska anurupan kar rahe hain, uska naam hai kala bhakti. Bhakti तीन प्रकार की है। एक भक्ति है गौणी भक्ति, गौणी भक्ति जिसमें भक्ति केवल मोह भोग या मोक्ष को देकर के स्वयं समाप्त हो जाएगी। भक्ति तो की जा रही है परंतु उसका लक्ष्य कृष्ण सेवा नहीं है, उसका लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना या स्वर्ग को प्राप्त करना। द मोटिव इज टू गेट स्वर्ग और टू गेट सल्वेशन, एंड भक्ति इज बींग डन बिकॉज विदाउट भक्ति नाइदर स्वर्ग कैन बी अचीव, नाइदर द साल्वेशन लिबरेशन कैन बी अचीव। सो मोक्ष और भोग दोनों के लिए भक्ति अनिवार्य है, परंतु वो भक्ति में भक्ति क्या करेंगे, भक्ति विल मेक हर सेल्फ सेकेंडरी एंड आफ्टर गिविंग द रिजल्ट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट of that person, bhakti will vanish, bhakti will be subordinate and it will be she will be banished, bhakti apne aap ko antardhan kar degi। ye hui gauri bhakti। mishra bhakti mein thakur ki seva ke liye hame vaibhav bhi chahiye, हॉल भी चाहिए, ठाकुर के गारमेंट्स भी चाहिए, ठाकुर के ऑर्नामेंट्स भी चाहिए, ठाकुर के लिए वेसल पॉट्स ये सब भी चाहिए, ठाकुर के लिए विभिन्न जो राइट्स हैं उनकी भी जरूरत है, कभी रथ यात्रा है, कभी हिडोरा है, सब चीज़ की जरूरत है। तो ये पंत ठाकुर की सेवा के लिए ये हो गई मिश्रा भक्ति। एज इफ ए पर्सन इज रिक्वायरिंग कर्ड एज वेल एज द बटर, बोथ थिंग, but that curd is also for the service of Shri Krishna, actually he is one requiring the butter। to ye ho gayi dusri cheez। ab teesri jo cheez hai wo kuch vyakti aise hai jo kahenge na humko aur kuch cheez nahi chahiye, humko keval butter hi chahiye, humko keval makhan chahiye, humko chhach nahi chahiye। ve मानसी सेवा करते हुए विराजमान होंगे और बाहर की उपकरण उनको नहीं चाहेंगे। दे विल नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट्स, देयर होल इक्विपमेंट्स विल बी द मानसी इमेजिनरी एंड बाय इमेजिनरी इक्विपमेंट्स दे विल सर्व श्री कृष्ण। मानसी सेवा करते हुए जो बाबा जी हैं सेवा नहीं छूटेगी, सेवा तो वे पूरी तरह से करेंगे,
परंतु उनके सारे इक्विपमेंट्स सेवा के जो होंगे वो मानसी होंगे, एंड दे वॉज ऑल्सो वेरी मच प्रीसीशियस। हाँ, ऐसा नहीं है हम तो उतने प्रीसियस और इक्विपमेंट्स को ठाकुर को ऑफर भी नहीं कर सकते हैं, परंतु इन इमेजिनेशन वी कैन थिंक दैट श्री कृष्ण इज सिटिंग ऑन ए सीट दैट इज फुल ऑफ ज्वेल्स, वाइल एट एक्चुअल वी कैन नॉट अफोर्ड दोज ज्वेल्स इन आवर रियल लाइफ, और सो इन इमेजिनेशन दे कैन बी एफोर्ड। तो वो हो गई शुद्धा भक्ति, ठाकुर जी की सेवा, द सुख, सुख ऑफ ठाकुर। हाँ, दोनों दोनों में सुख जो है वो ठाकुर की सेवा। अब यदि भक्ति नहीं है तो कर्म का फल, कर्म रूप फल और ज्ञान मोक्ष रूप फल भी हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। दो वी आर नॉट एमिंग, द मोटिव इज नॉट द सर्विस ऑफ श्री कृष्ण, वी वॉन्ट टू गेट द मेटेरियल जॉय, बट फॉर दैट इविन भक्ति इज एसेंशियल। अनलेस भक्ति इज एफोर्ड, वी कैन नॉट एफोर्ड, वी कैन नॉट गेट द कर्म स्वर्ग इविन। सो भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी जो भक्ति है, ज्ञान में जो भक्ति की जाती है, उस भक्ति का नाम है कला भक्ति। जो गौणी भक्ति कही थी उस गौणी भक्ति का ही एक रूप है कला भक्ति। अब यहाँ पर उस कला भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो भक्ति एक तरह से दो हो गई, अन्य अभिलाषा वाली भक्ति और जिसमें अन्य अभिलाषा नहीं है, फ्री फ्रॉम अदर डिजायर्स, एंड मेनली द अदर डिजायर इज द लेम इज द एम। सो दिस टू द भक्ति दैट इज डन फॉर अदर डिजायर्स एंड भक्ति दैट इज डन ओनली फॉर द सर्विस ऑफ हैप्पीनेस ऑफ श्री कृष्ण, ये दो भक्ति के स्वरूप हो गए। तो जहां पर दूसरी डिजायर के लिए भक्ति की गई है उस भक्ति का नाम कला भक्ति हुआ। कला का मतलब है कि या तो वो कर्म की अंग बन जाएगी या वह ज्ञान की अंग बन जाएगी, इट विल बी ए पार्ट ऑफ ज्ञान और इट विल बी पार्ट ऑफ कला। या गौण भक्ति एंड कला भक्ति, कला भक्ति इज ए पार्ट ऑफ गौणी भक्ति, कला भक्ति वेरी फाइन। तो जो कला भक्ति है दैट इज ए पार्ट ऑफ गौणी भक्ति, एंड इट इज सेट कला दैट मीन्स फ्रेज फेस, इट इज सेइंग फेस। सो बिकॉज इट इज कॉल्ड कला और फेस दैट मीन्स इट भक्ति हरसेल्फ मेक्स हरसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ दैट कर्म, सो इट बिकेम्स कर्म और इट बिकेम्स ज्ञान। नाउ इट विल नॉट बी डिफाइंड एज भक्ति, इट विल बी डिफाइंड एज ज्ञान और कला, ज्ञान और कर्म। सो कला भक्ति, तो एक हो गई शुद्धा भक्ति, एक हो गई कला भक्ति। शुद्धा भक्ति में भक्ति इज द मेन एंड ज्ञान एंड कर्म दो आर द सपोर्टर ऑफ, दे आर द वोटरी ऑफ भक्ति, बट हियर द भक्ति इज द वोटरी ऑफ कर्म और ज्ञान, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। सो यहां पर कह रहे हैं हाँ ज्ञान, हाँ भक्ति यदि मुख्य है और ज्ञान कर्मी भी आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि भक्ति है तो ज्ञान नहीं होगा। ठाकुर जी का भी ज्ञान होगा, हम भी जीव हैं ये भी ज्ञान होगा, और जगत जो है वो ठाकुर जी ने ही बनाया है, उनकी सेवा में ही जगत की सारी वस्तुओं का हम प्रयोग करें, तो ये हो गया ज्ञान। तो ज्ञान भी भक्ति का अंग हो गया और कर्म भी, हम कुछ ना कुछ काम तो करेंगे, कुछ अर्निंग भी करेंगे, तो वो जो है वो भी ठाकुर के लिए कहीं समर्पित हो जाएगा। प्राइमरी ज्ञान तो कहीं ना है, बेस में ज्ञान तो रहेगा ही कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा श्री प्रभु की कर रहे हैं।
ये ज्ञान तो रहेगा। तो भक्ति में ऐसा नहीं है ज्ञान नहीं है, भक्ति में भी ज्ञान है, परंतु भक्ति यदि ज्ञान का अंग बन जाएगी तब तो वो ज्ञान कहलाएगी, और भक्ति यदि कर्म का अंग बन गई तो वो कर्म कहलाएगी, परंतु भक्ति ने ज्ञान और कर्म को अपना अंग बना लिया तो वो भक्ति कहलाएगी। रहेंगे तीनों चीज साथ साथ, परंतु कौन डोमिनेट कर रहा है, प्रधान कौन है, इस बात पर विचार किया जाएगा। तो यहां पर कला भक्ति की अब बात करें, कला भक्ति बहुत जरूरी है, कला भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान टिकेगा ही नहीं। तो तप तीर्थ तप जपो दान पवित्राणी तराणी चो नालम कुर्वंत ताम सिद्धिम या ज्ञान कलया करता। जितने भी तप किए गए, तप मीन ऑस्टरिटी, तीर्थ जितने भी बिल्कुल प्योर एंड पायस ऑस्पिशियस प्लेसेस हैं तीर्थ, जप निरंतर निरंतर जो भगवान का जप जो चांटिंग की जा रही है, जप दान जो ऑफरिंग है जो दान कर रहे हैं, और पवित्राणी तराणी चो और दूसरे भी पवित्र कर्म, दैट मीन्स ऑफरिंग हवन इत्यादि जो पवित्र कर्म है, स्नान, ये सारे पवित्र कर्म नालम कुर्वंती, ये कभी भी भक्ति के बराबरी नहीं कर सकते हैं। नालम कुर्वंती कि हम ये कर रहे हैं भक्ति को छोड़ दें, अलम का मतलब है कि इन कर्मों को तो किया जाए और भक्ति को छोड़ दिया जाए, ऐसा कभी नहीं है। भक्ति की पर्याप्ति ये कभी नहीं करेंगे, दे विल नॉट सरपास, दे विल नॉट सप्रेस भक्ति, दे कैन बी परफॉर्म एज ए सबॉर्डिनेट ऑफ भक्ति, बट इफ दे आर सप्रेसिंग भक्ति देन दे विल नॉट, दे आर नॉट अलाउड टू डेट। सो नालम कुर्वन्ति ताम सिद्धिम, सो इन तप तीर्थ जप दान से जो सिद्धि की प्राप्ति होगी, जो फल हमको प्राप्त होगा, वट एवर रिजल्ट वी विल गेट आउट ऑफ दीज थिंग्स, वो या ज्ञान कल्याकृता, वो उतना बड़ा नहीं होगा कि भक्ति को छोड़ा जा सके। सो इनके द्वारा जो कुछ भी फल की प्राप्ति होगी वो भक्ति की अपेक्षा बहुत छोटी है। इसलिए ज्ञान कला जो भक्ति है वो कला भक्ति भी इतनी बड़ी है, शुद्ध भक्ति तो बहुत दूर की बात, कला भक्ति भी इतनी बड़ी है कि उस कला भक्ति को भी ये अकेले जप तीर्थ तप ये कहीं सरपास नहीं कर सकते हैं, उसको कहीं क्षीण नहीं कर सकते हैं, उसको दबा नहीं सकते हैं। माने जप तीर्थ दान तीर्थ यात्रा इन सबसे, जीव दया इन सबसे जो हमको पुण्य मिलेगा वो पुण्य भक्ति से कहीं कम ही होगा, कभी भी भक्ति से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो नालम कुर्वंती माने ये सारे कर्म कभी भी अपने फल में भक्ति से बढ़कर के नहीं हो सकते हैं। नहीं, वो नाम जप की बात नहीं करें, बहुत अच्छा प्रश्न, ये नाम जप की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर जप का मतलब है कि कोई दूसरे फल को प्राप्त करने के लिए जो और जप किए जा रहे हैं, उन जपों की बात कर रहे हैं, जो स्वधन को प्राप्त करने के लिए, पुत्र को प्राप्त करने के लिए, वो जो मंत्रों की जप कर रहे हैं वो जप, उन जप की बात कर रहे हैं। नाम जप नहीं, नाम जप तो भक्ति ही हो गया, नाम जप तो भक्ति ही हो गया। तो कला भक्ति की भी तुलना ये नहीं कर सकते हैं, जो मोक्ष भक्ति है उसकी तो बात ही क्या है। नालम कुर्वन्ति ताम सिद्धिम या ज्ञान कलया कृता, तस्मात् ज्ञानेन सहितम ज्ञात्वा स्वात्मानुमुद्धवौ ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भावतः। तस्मात् ज्ञानेन सहितम ज्ञात्वा स्वात्मानम उद्धवौ, इसलिए तू ज्ञान के साथ अपने स्वरूप को भी पहचान। ज्ञान किसको कहेंगे, ज्ञान का मतलब है
एक ही वस्तु से अनेक वस्तुओं का निकलना और सभी वस्तुओं में एक वस्तु का दर्शन करना, इसका नाम है ज्ञान। ऑल ड्युअलिटी इज कमिंग आउट ऑफ वन अनड्युअल एंटिटी, यह है ज्ञान। एक वस्तु से सारी वस्तुएं आ रही हैं। एवरीथिंग इज लीन आउट ऑफ वन इटर्नल एंटिटी, यह हो गया ज्ञान। और सीइंग द वन थिंग इन प्रिवेंटिंग इन एवरीथिंग, दैट इज ऑल्सो ज्ञान। अनेक में एक का दर्शन करना और एक से अनेक वस्तुओं का उत्पन्न होना, यह हो गया ज्ञान। विज्ञान का मतलब है, परंतु ये थ्योरेटिकली हुआ, अभी अनुभव नहीं हुआ। विज्ञान का मतलब है इस बात का कहीं अनुभव भी करना, एक्सपीरियंस भी करना, वो हो गया विज्ञान। तो अनुभव जन्य ज्ञान हो गया विज्ञान, और ज्ञान माने एक वस्तु से अनेक वस्तुओं का जन्म और अनेक वस्तुओं में एक वस्तु की ही का दर्शन। दैट जैसे मिट्टी के बहुत से बने हुए पात्र हैं, ये ग्लास है, ये बाउल है, ये प्लेट है, ये पिचर है, परंतु उन सब में है ये क्ले, ये विचार करना, ये भी ज्ञान है। और एक वस्तु से सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई, सब वस्तुओं में एक वस्तु का ही दर्शन किया जाए, तो वो हो गया ज्ञान। और विज्ञान कहेंगे जो दर्शन किया गया उसका अनुभव करना, उसको अपने हृदय में उसका विटनेस करना, उसका हृदय में कहीं दर्शन करना, उसका एक्सपीरियंस करना, ये हो गया विज्ञान। उसको अनुभव भी करना कि मैं भी ईश्वर का अंश हूं। तो ज्ञान विज्ञान सहितम, अरे उद्धव तू ज्ञान विज्ञान के सहित ज्ञात्वा स्वात्मानम उद्धव, अपने आप को पहचान और ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमान भक्त भावतः। इस प्रकार शास्त्र के अनुसार ज्ञान को भी प्राप्त कर और निज साधन के अनुसार विज्ञान भी प्राप्त कर। वी विल रियलाइज द ज्ञान परतत्व बाय आवर साधन, एंड इफ वी आर नॉट परफॉर्मिंग डिवोशन देन वी कैन नॉट एक्सपीरियंस इट। सो ज्ञान विज्ञान संपन्न भजमान भक्त भावता है, तो मुझे भक्ति भाव के द्वारा मेरा भजन करते हुए भी विराजमान हो, भक्ति के द्वारा मेरा भजन कर, मेरा सेवन कर। ज्ञान विज्ञान यज्ञेनो माम इष्ट्वा आत्मानम आत्मनि सर्व यज्ञ पते माम संसिद्धिम मुनियो गमत गमन। ज्ञान विज्ञान यज्ञेनो, ज्ञान यज्ञ के द्वारा और विज्ञान यज्ञ के द्वारा। ज्ञान यज्ञ का मतलब है स्टडी द स्क्रिप्ट्स, जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन, ये हो गया ज्ञान। और विज्ञान का मतलब है जो हमने पढ़ा है उसका अनुभव करना। सो श्रीमद् भगवद गीता में बहुत से यज्ञ निरूपण किए गए, दान यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, वेद यज्ञ, कई यज्ञों का वर्णन किया गया। तो इनमें दान यज्ञ का मतलब है किसी को दान देना, तपो यज्ञ का मतलब है अपनी इंद्रियों को कहीं वश में करने का प्रयत्न करना, ऐसे ही ज्ञान यज्ञ का मतलब है कि शास्त्र का अध्ययन करना, फिर माने ब्रह्म यज्ञ का मतलब है शास्त्र का अध्ययन करना, और ज्ञान यज्ञ का मतलब है जो शास्त्र का अध्ययन किया है उसे पढ़ना। ब्रह्म यज्ञ मीन्स स्टडिंग, एंड ज्ञान यज्ञ इज एक्सपीरियंसिंग द ज्ञान, व्हाट एवर वी हैव अचीव्ड फ्रॉम द स्क्रिप्ट्स वी आर रियलाइजिंग इट। सो ये ज्ञान यज्ञ है। तो पहले ब्रह्म यज्ञ होगा, फिर ज्ञान यज्ञ होगा। पहले शास्त्र का अध्ययन होगा, श्रवण होगा, फिर उनको हम पढ़ेंगे। तो ज्ञान विज्ञान संपन्न, ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर के ऋषियों ने माम इष्ट्वा आत्मानम आत्मनि, मैं ही सबकी आत्मा हूं,
उनका मेरा अपने हृदय में भी विचार करते हैं और सर्व यज्ञ पति मांबई मैं सारे यज्ञों का स्वामी हूं, ऐसे वे ज्ञानी जन मुझको प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान माने शास्त्र का अध्ययन किया, फिर विज्ञान माने उन्होंने दे परफॉर्म द ऑस्टरिटी एंड दे परफॉर्म द यज्ञ वेरियस मेडिटेशंस। विज्ञान इन मेडिटेशन दे एक्सपीरियंस दे विटनेस द इटर्नल एंटिटी। ज्ञान विज्ञान यज्ञ उन्होंने इस तरह से यज्ञ किया। आत्मानम आत्मनि मैं आत्मा हूं, मैं सबका मूल कारण होकर के विराजमान हूं। सर्व यज्ञपति मांबई सत्सिद्धि मैं सबका आधार हूं। आई एम द बेस ऑफ एवरीथिंग, आई एम द आश्रय ऑफ एवरीथिंग, बेस ऑफ एवरीथिंग, ऐसा विचार करते हुए मुनि लोग परफेक्शन को प्राप्त हुए। संसिद्धि मुनियो गमत उन मुनियों को सिद्धि की प्राप्ति हुई। तयुद्धवाश्रयत यस त्रिविधो विकारः मायांतरा पतित नाद्यपवर्गयोरियत जन्मादयोसि यदिमि तव तस्य किं स्युः आद्यन्तयोर्यद् सतो असतोस्ति तदेव मध्ये। श्री कृष्ण इसके कृष्ण कह रहे हैं कि तय उद्धवा आश्रयत यस त्रिविधो विकारः। अरे उद्धव, आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक ये तीन प्रकार के कष्ट तुझ में हैं। आध्यात्मिक कष्ट का तात्पर्य है द सिकनेस ऑफ बॉडी फिजिक, दैट इज आध्यात्मिक शरीर, शरीर की स्थूल शरीर की सो आध्यात्मिक। आद भौतिक मीन्स द कैलिमिटीज दैट इज कमिंग आउट ऑफ अदर क्रीचर्स एज लॉइन एज द अदर सर्पेंट और द एनिमी ही इज हिटिंग द थीफ। सो ये हो गए आध्यात्मिक आदि भौतिक, जो भूत माने किसी प्राणी के द्वारा जो कष्ट आ रहे हैं उनको कहेंगे आदि भौतिक। आध्यात्मिक माने जो शरीर में मिल रहे हैं। आध्यात्मिक दो प्रकार के, आधि और व्याधि। आधि का तात्पर्य है शरीर का दुख और व्याधि का तात्पर्य है मन का कष्ट। तो आध्यात्मिक दो प्रकार का, आधि और व्याधि, शरीर की सिकनेस और मन का दुखी होना। तो ये मॉकिंग ऑफ माइंड, झुझलाहट आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये सब सब चीज मॉकिंग ऑफ माइंड, ये व्याधि एक तरह से व्याधि होगी। तो आधि व्याधि ये हो गया आध्यात्मिक। आधि भौतिक माने जो कहीं किसी दूसरे प्राणी के द्वारा हमको कष्ट दिया जा रहा है, मच्छर खा रहे हैं, मक्खी खा रही है, शत्रु आ रहा है, कहीं आक्रमण हो रहा है, शेर चोर इन सब का भय, ये हो गया आदि भौतिक। अब तीसरा हुआ आदि दैविक। आदि दैविक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, ये आदि, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, ये आदि दैविक, दैव के द्वारा जो प्राप्त हो रहे हैं, गॉड गिफ्ट, गॉड के द्वारा और नेचर के द्वारा जो प्राप्त हो रहे हैं वो हो गए आधे दैविक। तो तय उद्धव श्रेत यस त्रिविधो विकार। अरे उद्धव, तुझ में तीन प्रकार के जो विकार हैं, इन विकारों को मायांतरा पतति, ये माया के कारण ही हैं। द कॉज ऑफ दीज थ्री कैलिमिटीज, थ्री अनकंफर्ट्स आर कमिंग ड्यू टू द माया, मायांतरा पतति नाद्यप वर्ग योर यत न आदि अपवर्ग योर यत। जब तक शरीर नहीं था इसके पहले भी विकार नहीं थे, दुख नहीं था,
और जब अपवर्ग हो जाएगा तब भी नहीं होगा. बिफोर एक्सेप्टिंग दिस बॉडी, बिफोर एक्सेप्टिंग दिस बॉडी, नाइदर यू वॉज फीलिंग दिस कैलमिटीज, यू वॉज जस्ट इन द साउंड स्लीप एज. बट स्लीप इज नॉट, स्लीपिंग इज नॉट द गोल. वी नेवर वॉन्ट टू रिमेन स्लीप, दैट इज नॉट द गोल ऑफ आवर लाइफ. और अपवर माने मोक्ष के प्राप्त में भी हमको ये तीनों प्रकार के विकार नहीं होंगे. तो उद्धव तुझमें जो आध्यात्मिक आध्यादैविक आध्यभौतिक ये तीन विकार हैं, दीज डिफिकल्टीज विच आर यू आर फेसिंग नाउ, नाइदर दीज वॉज प्रेजेंट बिफोर यू केम इन दिस वर्ल्ड एंड नाइदर दे विल रिमेन व्हाइल यू विल गेट द साल्वेशन. सो न आदि अपवर्गयो यत् जन्मादेवस्य यदमि तब तस्य किं स्युः. तुझे जो जन्म स्थिति संहार इनकी प्राप्ति हो रही है, दैट मीन्स सिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस व्हाट एवर यू आर गेटिंग, द बर्थ, द एग्जिस्टेंस, द इंक्रीजिंग, द डिटोरेशन एंड दिस वन. सो ये जायते अस्थि वर्धते विपरिणम ते ट्रांसफॉर्मिंग अपक्षीयते डिटोरेशन एंड विनश्यति द डिस्ट्रक्शन. सो दीज आर होल, दीज सिक्स थिंग्स आर रिलेटेड टू द बॉडी नॉट टू यू. ये शरीर के साथ में संबंधित हैं, किसी दूसरी के साथ में संबंधित नहीं है. सो नाद्यंतयो ये सारी वस्तुएं शरीर के धर्म हैं, ये तेरे धर्म नहीं है. शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है. शरीर इज बॉर्न, शरीर इज डिस्ट्रक्ट, इज डाइड. आत्मा नाइदर इज टेकिंग बर्थ नाइदर इट इज डाइंग एवर. सो न जायते मृत्य वा कदाचन, ये हो गया. आत्मा को कष्ट तो नहीं है, उस समय आत्मा के साथ में चिपका हुआ जो मन है उसको कष्ट है. मन लिंग शरीर को कष्ट है, आत्मा को कष्ट नहीं है. आत्मा तो माने परंतु आत्मा ने गलती की है कि आत्मा ने शरीर को अपना माना हुआ है, इसलिए ये जो कहीं आता है ना कि बड़ा कष्ट होता है, तो ये बात असली में कष्ट जो हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, वो मन को हो रहा है, लिंग शरीर को हो रहा है, वो आत्मा को नहीं हो रहा है. परंतु उस समय आत्मा और मन मिले हुए हैं, इसलिए वो शरीर के कष्ट को आत्मा अपना समझ रही है, और ये समझ रही है शरीर के मृत्यु को ही अपना, अपनी मृत्यु और शरीर के जन्म को ही अपनी जन्म समझ रही. तो डेट इज इल्यूजरी, डेट इज इल्यूजन. हाँ कि नहीं, हमारी थ्री बॉडीज हैं, बल्कि कुल मिलाकर के चार चीज हो गई. आत्मा तो अलग हो गई, इसके बाद में तीन बॉडीज हैं. एक शरीर, एक है कारण शरीर. कारण शरीर का मतलब है कि मैं त्रिगुण हूं, मैं प्रकृति हूं, एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय थ्री गुण. तो ये इसको हम कहेंगे कारण शरीर. कारण शरीर का ही एक सामान्य जो स्वरूप आएगा वो ईगो, ईगो ईगो कारण शरीर समझ लीजिए. ईगो जब समाप्त हो जाएगा तो कारण शरीर समाप्त हो जाएगा. माने मैं शरीर नहीं हूं, मैं त्रिगुण नहीं हूं. अच्छा, तो दूसरी जो बॉडी है वो है सेटल बॉडी. सेटल बॉडी 16 वस्तुओं की बनी हुई है. उसमें पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तन्मात्राएं 15 हो गई, और एक मन. तो जो कष्ट होता है मरते समय वो उस मन को ही हो रहा है, परंतु मन के कष्ट को वो जीवात्मा अपना समझे हुए है. ये दूसरी बॉडी हो गई. अब तीसरी बॉडी है, वो है पंच महाभूत की, फाइव मैटर्स की बनी हुई मेटेरियल बॉडी. ये मेटेरियल बॉडी विल स्टे फॉर 100 ईयर्स ओनली,
जितना हो तो ये बॉडी चेंज होती रहेगी, ये बॉडी आएगी फिर जाएगी फिर आएगी फिर जाएगी, तो ये चेंज होती रहेगी। तो स्थूल शरीर पंच महाभूत का, सूक्ष्म शरीर उसमें मन प्रधान है और मन के साथ में पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया ये और पांच तन्मात्राएं, तो 16 वस्तुओं का बना हुआ मन, ये सूक्ष्म शरीर। और कारण शरीर है कि जब तक हम अपने आप को त्रिगुण मानते रहेंगे, पुरुष न मान करके प्रकृति मानते रहेंगे, तब तक उनके कष्ट प्राप्त होते रहेंगे। जैसे ही वो ईगो हटेगा, मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, ये विचार जैसे आएगा वैसे ही मोक्ष हो जाएगा। जब तक दोनों कंबाइंड हैं, इन दोनों को ब्रैकेट किया हुआ है, तब तक बंधन है। जब ब्रैकेट दूर हो जाएगा कि ये अलग है और मैं अलग हूं, प्रकृति अलग है, सत्व रजस्तम तीन गुण अलग हैं और मैं अलग हूं, ये भाव जैसी हो जाएगी वैसे ही मोक्ष हो जाएगा। तो यहां पर वही कह रहे हैं, हाँ, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन को कह दिया ना, मन में चारों चीज आ गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार, साथ के साथ में इंद्रियां भी हैं सूक्ष्म रूप से, क्योंकि ये ही मन स्थूल इंद्रिय जो पंच महाभूत की बनी हुई है वे तो इस शरीर के साथ में समाप्त हो गई, परंतु जो सूक्ष्म इंद्रिय हैं वो कहीं रही। माने एक डेड बॉडी में जो नेत्र गोलक है वो तो वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, वो शरीर में ही है, परंतु उसमें देखने की जो शक्ति थी, जो इंद्रिय थी, वो उस समय गई सूक्ष्म शरीर के द्वारा। एक शरीर में ममता बुद्धि का त्याग किया है, दूसरे शरीर में ममता बुद्धि ग्रहण कर ली। एक शरीर में उसने ममता बुद्धि का त्याग किया, दूसरे में ममता बुद्धि उसने ग्रहण कर ली। तो जिसमें ममता बुद्धि ग्रहण कर ली उस शरीर का हो जाएगा जन्म, जिसमें ममता बुद्धि त्याग की है उस शरीर की हो जाएगी मृत्यु। ये स्थिति होगी। तो यहां पर ठाकुर जी कह रहे हैं कि उद्धव तुझमें आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यभौतिक तीन प्रकार के जो विकार, जो कष्ट हैं, ये तुझमें नहीं है, तेरे शरीर में है। मायां तरा पतति, माया के कारण ही, माने अज्ञान के कारण, इल्यूजन के कारण शरीर के कष्टों को तूने अपना मान लिया है। बाय इल्यूजन यू आर टेकिंग देम टू बी योर्स, बट दे आर नॉट योर्स, दे आर ओनली ऑफ दैट फिजिकल बॉडी। नाद्यपिवर्गीवत, ये जो तीनों विकार थे, दिस सिकनेस, दिस difficulties, what not, neither before you came you got this body, before it they was not present, and while you will get salvation even then they will not be with you. Janma deo se admi, ye your birth and death, these are of your body. Tab tasse kim, so you have no relation with that, they are not related to you, they are not belonging to you, they are belonging to your body. Adyant yor yad asataha asti tadev madhye, always remember that atma is before you got this body, atma will remain after when you leave this body, and while you are having this body, at that time the atma is also there. So atma pehle bhi thi, jab sharir hai tab bhi atma hai, jab sharir samapt ho jayega tab bhi atma rahegi. To jo vastu aadi madhya ant teenon mein rahe wo hi nitya mani jayegi, jo vastu pehle nahi thi baad mein nahi rahegi keval madhya mein hai उसको नित्य नहीं कहा जाएगा। शरीर केवल बीच में है, पहले न पहले था न बाद में। इस जन्म के पहले हम जो भी हाथी घोड़ा होंगे
उस समय हमारी फैमिली होगी वही हाथी घोड़ा। आज की जो फैमिली है वो फैमिली तो होगी नहीं हमारी। और इसके बाद में भी यदि कर्म बंधन हुए और ठाकुर जी ने, ठाकुर जी बड़े कृपाल में बुलाएंगे ये ऐसा ही मानना चाहिए, परंतु यदि फिर कहीं कर्म बंधन हुआ तो फिर जहां पर संबंध जुड़ेगा वहां पर वे हाथी घोड़ा वे अपने वाइफ संग वे हो जाएंगे और उनसे प्रीति हो जाएगी, दूसरे से प्रीति नहीं आएगी। तो जो बीच में है वो सत्य नहीं है, जो तीनों काल में रहता है वो ही सत्य है। आत्मा पहले भी थी, आत्मा आज भी है हमारे साथ में, और इस शरीर के बाद में भी आत्मा ठाकुर जी की सेवा करते हुए पार्षद देह प्राप्त करके भी वहां पर रहेगी। ऐसा हाँ आप नहीं पाता है, परंतु कहीं विचार करते करते मैंने ये कहीं आएगा कि ठाकुर ने मुझे शरीर जो दिया है ये सेवा करने के लिए एक मशीन के रूप में, एक उपकरण के रूप में उन्होंने दिया है, ये एक प्राइज है, ईश्वर ने मुझे कहीं उन्होंने एक पुरस्कार दिया है इस शरीर का, और इस शरीर रूपी पुरस्कार को प्राप्त करके मैं आगे बढ़ूँ। एक मशीन उन्होंने, इंस्ट्रूमेंट मुझे दिया है, एक मशीन दी है जिससे मैं उनकी सेवा कर सकता हूं। और यदि यह शरीर नहीं होता तो न मैं कर्म कर सकता था, न मैं भोग कर सकता था, न मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता था, न मैं भक्ति कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए कृपालु श्री प्रभु ने हमको यह शरीर दिया है। सृष्टि के पहले हमारे पास में शरीर नहीं था, इसलिए हम कृतार्थ नहीं थे, और पार्षद देह था नहीं हमारा, क्योंकि भजन नहीं किया था, इसलिए हम भजन करके पार्षद देह प्राप्त करें। और जो समुद्र में, या तो हम समुद्र में जाएं और समुद्र से फिर तट में आए, हम थे तो सही परंतु ना हम समुद्र में थे ना हम तट में थे, ऐसी स्थिति में ना हम जमीन में थे, ऐसी स्थिति में हमको कहीं कृतार्थ करने के लिए और तट का एक विषय बनाने के लिए, अपने उस धाम का एक विषय बनाने के लिए श्री प्रभु ने अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए कृपालु श्री प्रभु ने हमको माया देवी के हाथ सौंपा। अब माया देवी की एक विशेषता यह है कि उनका एक स्वभाव है, उस स्वभाव को भगवान बदलेंगे नहीं, कि माया जीव को मोहित कर लेती है। हम थे तो सच्चिदानंद, परंतु ठाकुर ने हमारा हित करने के लिए हमको माया देवी को सौंपा। He has handed over टू माया देवी टू नरिश अस एंड टू मेक अस एबल टू डू भगवत भक्ति, बट दिस इज द नेचर ऑफ माया देवी दैट एज सून एज जीव केम इन द कनेक्शन ऑफ माया देवी जीव फॉरगेट हिज सच्चित आनंद रूप एंड ही प्रिज्यूम्ड दैट आई एम द त्रिगुण, आई एम द माया। उसने प्रिजम्पशन कर लिया, उसने मान लिया, पहले से भी माना हुआ था और अब उसने मान लिया, ही हैज एक्सेप्टेड दैट आई एम माया। परंतु ठाकुर ये नहीं कहेंगे कि माया तू जीव को मोहित मत कर, क्योंकि जो जिसकी ओरिजिनल संपत्ति है उसके साथ में ठाकुर कभी छेड़खानी करते नहीं है। व्हाट एवर ए प्रॉपर्टी ए पर्सन हैज भगवान डज नॉट डिस्टर्ब इट, परंतु भगवान क्या करेंगे, वे उस जीव को उसके बंधन से मुक्त करने के लिए दूसरी कृपा शक्ति भेज देंगे। ही विल प्रोवाइड अस ए मच मोर पावरफुल वे एंड दैट वे इज श्रीमद गुरुदेव श्री हरिनाम श्रीमद भागवत श्री भगवत सेवा। सो ही प्रोवाइड्स इट एंड दीज मेडिसिन दीज ट्रीटमेंट इज सच पावरफुल दैट द होल sickness that we are getting that will be removed.
तो ये औषधि ऐसी ठाकुर ने हमको दे दी है कि जो वस्तु आएगी उसको वे दूर कर देंगे, माया का जो बंधन है वो बंधन हमारे पास से दूर हो जाएगा। अब उन्होंने हमको जो थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, जो किंचित स्वतंत्रता दी है, उस ए लिटिल लिबरेशन ही हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर अस दैट वी कैन चूज, वी हैव द ऑप्शन दैट वी मे चूज द पाथ ऑफ भक्ति, वी मे चूज द पाथ ऑफ द भोग, रियलाइजेशन ऑफ अदर थिंग्स, एंड वी आर रशिंग ओनली टू डेट, दैट विल बी ए डिफिकल्टी, डिफिकल्टी दैट विल क्रिएट द डिफिकल्टीज। सो भगवान ने जो कृपा शक्ति दी है उस कृपा शक्ति के द्वारा हम उससे कहीं मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, और मुक्ति प्राप्त करके फिर हमने क्यों साधन किया है, उस साधन के द्वारा हमको चिन्मय स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हम नित्य सिद्ध जीव तो है नहीं, हम हैं दो प्रकार के जीव हैं, एक है नित्य सिद्ध जीव, वे तो पार्षद लोग हैं, हम लोग पार्षद तो थे नहीं, हम लोग तो सामान्य जीव थे, तो सामान्य जीव थे इसलिए हमको भी उस सुख को, पार्षदों को जो सुख मिल रहा है उस सुख को प्राप्त कराने के लिए ठाकुर ने हमको पहले माया देवी के हाथ में सौंपा। वो इस तरह से ही है जैसे किसी बालक का जन्म ज्योतिष में मूल नक्षत्र में हो, तो पहले क्या किया जाता है कि भाई माता पिता के लिए ठीक ठाक नहीं है, या ये बालक उतना ऑस्पिशियस नहीं है, इसलिए उस बालक को किसी धाय को दे दिया, किसी दूसरे को दे दिया, और फिर उससे वापस फिर अपने एक बार दे करके फिर उसे अपने पास में ले लिया। सो कहीं ऐसी एक प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आपने मुझे जो माया देवी को सौंपा हुआ है, उस माया देवी के हाथ से मुझे लो, और मेरी जो जननी आप हो, हे नारायण, अब मेरी आप वास्तव में माँ हो, अब ये स्टेप मदर या जो धाय है, जो नर्स है, उस नर्स के हाथ में मुझे मत सौंपो, अब मेरी जो एक्चुअल माँ है उसकी गोदी में ही मुझे कब आप लोगे, अब ये मूल को ही समाप्त कर दो, मूल की शांति कर दो ना, ये माया रूपी जो मूल है उस जैसे मूल नक्षत्र की शांति करा करके, मूल शांति करा करके बालक को दोबारा स्वीकार कर लिया जाता है, ऐसे ही ये जो आपत्ति रूप मूल नक्षत्र आया है इसकी शांति करा करके मुझे आप फिर से गोदी में ले लो, ऐसी प्रार्थना कहीं श्री ये श्लोक जो है वो शायद आलवंदार स्तोत्र का है कि माया के हाथ में मुझे समर्पित करके अब इस नर्स के पास में मैं नहीं रह सकता हूँ, इस नर्स से मुझे हटा करके मेरी आप ओरिजिनल माँ हो और मैं माँ की गोदी में ही रहूँगा, मुझे कब अपनी गोदी में लोगे, मैं आपसे प्रार्थना, क्योंकि यहाँ पर मैं संतोष में नहीं रह सकता हूँ, ऐसे प्रार्थना कर। तो यहाँ पर वही कह रहे उद्धव जी ये बात जब सुने तो ये कहा कि जो पहले था, जो बाद में है, जो बीच में है वह सत्य है, जो केवल बीच में दिखे, न पहले था न बाद में था, वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता है, ऐसे जिस समय कहा है तब उद्धव कह रहे हैं, बोले ज्ञान विशुद्धम विपुलम यदि तद वैराग्य विज्ञान युतम पुराण आक्षाय विश्वेश्वर विश्वमूर्ते तद भक्ति योगम च महत् ब्रह्मज्ञम। अब मैं आपसे भक्ति योग श्रवण करना चाहता हूं, ये भक्ति योग ही विशुद्ध विज्ञान है, ये वैराग्य इससे युक्त है, तो ज्ञानम विशुद्धम भक्ति ही विशुद्ध ज्ञान है, विपुलम ये इट इज वेरी मच वास्ट या विस्तृत है भक्ति, यथैत वैराग्य विज्ञान युतम ये वैराग्य और विज्ञान से युक्त है, ये जो अनअटैचमेंट उस वैराग्य से भी युक्त है और विज्ञान ये नॉलेज से भी युक्त होकर के विराजमान है,
पुराण है, इस भक्ति योग का मेरे सामने वर्णन करो महाद्ब्रह्मज्ञम, ये सबसे श्रेष्ठ है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम मे उत्तमम प्रत्यक्षावगमम ससुखम कर तो इच्छति, तो ससुखम कर तुम अव्ययम। भक्ति की इतनी विशेषता बताई श्रीमद भगवद्गीता में नौवें अध्याय में कि राजविद्या भक्ति राजविद्या विद्याओं की राजा है, इट इज द किंग ऑफ ऑल विद्या राजविद्या। राजगुह्यम ये बड़ी गोपनीय है, दैट मीन्स इट इज वेरी प्रीसियस भगवत भक्ति। राजविद्या राजगुह्यम राजविद्या योग है, उस अध्याय का ही नाम राजविद्या योग है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम, ये स्वयं भी ऑस्पिशियस है, पवित्र है, प्योर है, और ये दूसरी वस्तुओं को भी प्योर करने वाली है। पवित्रम इदम उत्तमम, भक्ति बेस्ट है, उत्तम, ये बड़ी फुल ऑफ वर्चूस, शी इज फुल ऑफ वर्चूस। पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम, भक्ति के द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। वी कैन गेट द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ भक्ति ऑफ श्री कृष्ण ड्यू टू भक्ति। इफ देर इज नो भक्ति वी कैन नॉट हैव द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ भक्ति। तो प्रत्यक्ष अवगमम, ये प्रत्यक्ष अवगम करने वाली है। शुद्धम, ये शुद्ध है, दैट मीन्स इट इज नॉट पॉल्यूटेड विद अदर डिजायर्स, इट इज इट हैज द प्योर डिजायर टू सर्व श्री कृष्ण। प्रत्यक्षावगमम शुद्धम ससुखम कर्तुम अव्ययम, और एक बात और है, ससुखम दिस कैन बी परफॉर्म वेरी इजीली, एंड भक्ति गिव्स द हैप्पीनेस इवन इन द टाइम ऑफ व्हाइल इट इज बीइंग परफॉर्म्ड। जबकि ज्ञान और कर्म, ये कर्म अवस्था में, पहले साधन अवस्था में सुख नहीं देते हैं, जब रिजल्ट आता है तब सुख देते हैं। बट भक्ति इज सच दैट इट इज इन साधन अवस्था, इट इज ससुखम कर्तुम, इट गिव्स हैप्पीनेस एट द टाइम ऑफ द परफेक्शन ऑफ प्रैक्टिसिंग इवन ससुखम कर्तुम। एंड अव्ययम, अदर जो थिंग्स हैं, अदर अचीवमेंट्स, दोज आर नॉट कॉन्स्टेंट, बट भक्ति इज ऑलवेज अव्ययम, इट इज कॉन्स्टेंट एंड इट रिमेन्स एवरीवेयर एवरी टाइम, एंड भक्ति डज नॉट वैनिशेस, इट ऑलवेज रिमेन्स। सो बड़ी सुंदर परिभाषा है भगवत भक्ति की, सारी जितनी भी ग्लोरीज हैं, द ग्लोरीज ऑफ भक्ति इज डिस्क्राइब इन वन वर्स। इट इज इन राजविद्या राजयोग राजविद्या योग, बिल्कुल बिगनिंग ऑफ दैट नाइन्थ चैप्टर, फर्स्ट वर्स। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम शुद्धम ससुखम कर्तुम अव्ययम। सो दीज ऑल एडजेक्टिव्स आर ग्लोरिफाइंग भगवत भक्ति। सो श्री उद्धव अब भक्ति के विषय में पूछ रहे हैं। यस 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 एंड दिस इज ऑल्सो रिमेम्बर एट द एंड ऑफ श्रीमद भगवद गीता इन 18th चैप्टर, सर्व गुह्यतमं भूयः श्रुणुमे परमं वचः इष्टोऽस्मि मे प्रियमिति। व्हाइल श्री कृष्ण इज कंक्लूडिंग हिज लेक्चर, देन ही इज ऑल्सो रिमेम्बरिंग एंड ही इज ऑल्सो रिपीटिंग दिस राजविद्या राजगुह्यम। सो द सर्व गुह्यतमं भूयः, दैट मीन्स राजविद्या राजगुह्यम ही इज रिमेम्बरिंग दिस वर्स एंड ही इज इंडिकेटिंग टू दैट वर्स दैट इन 9th चैप्टर आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब दैट राजविद्या विद्या दिस भक्ति इज द किंग, दिस इज द एम्पायर एम्परर ऑफ ऑल विद्या ऑल नॉलेजेस। परमात्मा
Yes, yes. Karnav Shahi is also Paramatma. And why? But the Paramatma Shabda is very much wide. And while Gopika, Tameva Paramatmanam Jarabudhyab Sangata in Ras Leela, Paramatma Shabda is also used for Shri Krishna. And there, the Paramatma will be the most beloved persons. That means the bosom. In the Paramatma, Parampri. Atma means pri. In this art, meaning the Paramatma Shabda is also used there. But Paramatma, normally the Paramatma is Shri Karnarnav Shahi or Garbhod Shahi. Both are, whole three are one. Either we misuse in Paramatma the three, whole three. Paramatma is the whole three. Karnarnav, Garbhod Shahi and Kshirod Shahi. Whole three are Paramatma. Yes. But Paramatma does not have any Leela. He has only two Leela. He is witnessing every person, Sakshi. And the other Leela is Srishti Palan Samhar. That means these are only Leela. Other Rasmai Leela is not of Paramatma. Rasmai Leela is of Bhagavan. Shindataya Gaur Hari Bol.